जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद उदय में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे, जैसे कि दोस्तों जानवरों के दांतों के बारे में, मधुबनी चित्रकला जो पेंटिंग होती है उसके बारे में कि कहाँ का प्रसिद्ध पेंटिंग है और यह किस तरीके से बनाया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों मधुमक्खी के बारे में जानेंगे और उसके साथ हाथी के बारे में जानेंगे कि हाथी का ग्रुप मेंबर मतलब जो लीडर कौन होता है और हाथी को किससे खेलना पसंद होता है। दोस्तों यह वीडियो जो है हर एक परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह जो इसमें मैं जो फैक्ट बताने वाला हूँ ये हर परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं गाय के बारे में। दोस्तों गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं, मतलब कि गाय का जो आगे का दांत होता है वो पत्तों को काटने के लिए क्या होता है, छोटा होता है, और घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। दोस्तों बिल्ली के दांत की बात की जाए तो दोस्तों बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। बिल्ली के दांत कैसे होते हैं, तो इनके दांत जो होते हैं नुकीले होते हैं, जो इनका कृंतक होता है नुकीले होते हैं और यही क्या करते हैं जो कि मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। दोस्तों सांप के दांत की बात करें तो सांप के दांत भी नुकीले होते हैं, ये भी कैसे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते। आपने दोस्तों देखा भी होगा या कभी कभी मेंढक को, चूहे को और छछुंदर जो होता है मोल होता है उसे निगल जाता है। तो दोस्तों यह जो है चबाकर किसी चीज को नहीं खाता, ये क्या करता है उसे पूरी तरीके से निगल जाता है। गिलहरी के दांत की बात करें दोस्तों तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल और चूहा भी लेना चाहेंगे सॉरी दोस्तों, चूहा और गिलहरी जो होते हैं इनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और इनके दांत को मतलब छोटे साइज में करने के लिए क्या करते हैं, प्रॉपर किसी न किसी चीज को कुतरते रहते हैं, यानी कि कुतरना इनकी एक मजबूरी होती है, क्योंकि इनके दांत यदि बड़े हो जाएंगे तो इनका मुंह अच्छे से बंद नहीं होगा और बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा कि मर सकते हैं और भोजन भी नहीं कर पाते हैं। दोस्तों मधुबनी पेंटिंग के बारे में बात करते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग क्या है दोस्तों, यह बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है, बिहार में एक मधुबनी नाम का जिला होता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको बिहार की राजधानी बतानी है, इतना तो आपको पता ही होगा, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। दोस्तों बिहार में मधुबनी नाम का जिला है, त्योहारों एवं खुशी के मौके पर वहां के घर की दीवारों पर और आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं। दोस्तों आप आमतौर पर अपने भी गाँव में देखे होंगे, शहरों गाँव में देखे होंगे जो मिट्टी के घर बने होते हैं, अधिकतर अक्सर जब दिवाली आता है या फिर कोई फेस्टिवल पड़ता है तो उसकी मिट्टी से पुताई करते हैं, पुताई करने के बाद चूने उने से किसी से उस पर निशान मार देते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों क्या है, त्योहारों एवं खुशी के मौके पर जो मधुबनी मतलब मधुबनी नामक स्थान में दीवारों पर और आंगन में एक खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं और यह चित्र जो बनते हैं पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं, यानी कि जो ये चित्र बनाया जाता है ये चूना उना नहीं होता है बल्कि पीसा हुआ चावल का घोल होता है, उसी में रंग मिलाकर बनाया जाता है। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। दोस्तों मधुमक्खी के छत्ते की बात करते हैं तो हर एक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो कि क्या करती है, अंडे देती है। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी छत्ता होगा उसमें एक रानी मधुमक्खी होती है जो कि अंडा देती है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खियां भी होते हैं जो एक काम छोड़कर और कोई काम नहीं करते हैं, यानी कहने का मतलब है कि छत्ते में कुछ ऐसे नर मधुमक्खी भी होते हैं जो एक काम छोड़ करके कोई काम नहीं करते हैं। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है, क्या होता है, जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है, क्या करता है, यानी कि जब उसे रस मिल जाता है तो एक तरीके का डांस करने लगता है और जिससे कि दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। काम करने वाली मधुमक्खियाँ इसी रस से शहद बनाती हैं। जो काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, इसी रस से शहद बनाती हैं और छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है।
दोस्तों अब हम बात करें आगे हाथी की। तो दोस्तों हाथी एक बड़ा होता है, हाथी एक बड़ा जानवर होता है, और एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। क्या है दोस्तों, ये अक्सर आप पीपल का पत्ती देखेंगे इनको खाते हुए, तो ये 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ एक दिन में चबा जाते हैं, खा जाते हैं। हाथी बहुत कम आराम करता है, हाथी जो होता है बहुत कम आराम करता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी एक दिन में कितना घंटा सोता है, तो 2 से 4 घंटा ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। दोस्तों हाथी को कहाँ खेलना पसंद होता है, तो हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है, यानी कि पानी और कीचड़ से क्या मिलता है, उसके शरीर को ठंडक मिलता है। और हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, आपने भी देखा होगा दोस्तों कि हाथी का जो कान होता है पंखे जैसा होता है, जो कि गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। हाथी का झुंड, यदि दोस्तों इसके झुंड के बारे में बात करें, तो हाथी के झुंड में केवल हथिनियाँ ही और बच्चे ही रहते हैं। यदि कोई हाथी का झुंड है तो उसमें हथिनियाँ होंगी और बच्चे होंगे। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की मालकिन, नेता, जो भी लीडर कहना चाहे लीडर कह सकते हैं, तो वही होती है। यानी कि कोई बुजुर्ग हथिनी जो होता है, वही जो होता है किसी भी झुंड का नेता कहलाता है। दोस्तों हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथिनी और बच्चे होते हैं। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथिनी और बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं, उसके बाद फिर वह झुंड छोड़ देते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।